सबसे पहले सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ट्रांसप्लांट के बाद वे बैक इन 1958 में रिपोर्ट हुई थी। आपको पता होगा पहला ट्रांसप्लांट भी उसी समय 1956 में हुआ था, आइडेंटिकल ट्विन्स में हुआ था। और उनमें से ही एक आइडेंटिकल ट्विन्स में जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें एक दो सिस्टर्स थी, उनमें जो 2 साल के बाद 1958 में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई, बच्चा भी स्वस्थ था, काफ़ी पब्लिकेशन पब्लिसिटी भी हुई उस समय। उसके बाद हजारों की संख्या में ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रिपोर्ट हुई है। बट इन सब के बावजूद भी ट्रांसप्लांट के बाद प्रेगनेंसी रेट्स काफ़ी कम हैं और लोग डरते हैं कि प्रेगनेंसी होना चाहिए कि नहीं। कई बार ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं हो पाती, ना तो हस्बैंड से डिस्कस कर पाते हैं ना डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक मन में डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दोबारा ट्रांसप्लांट ना करना पड़े, या कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो जाए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ऐसे ही कुछ सवालों को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आज। तो ट्रांसप्लांट के बाद सवाल ये होता है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है कि नहीं होना है, मैं प्रेगनेंसी कैसे प्लान कर सकती हूँ और कब प्रेग्नेंट होना जो चाहिए। और मैं इससे पहले बता दूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद एक प्रॉपर कॉन्ट्रेसेप्शन यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी बच्चे के लिए एज वेल एज मदर के लिए भी बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। तो जब भी किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट यंग फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों, तो यह एक प्लान्ड प्रेगनेंसी होती है जिसमें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूरी होती है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग मीन्स कि जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, एम्ब्रियो बन रहा हो, उसके पहले ही वह तैयारी चालू हो जाती है, कम से कम 3 से 4 महीने 6 महीने पहले। सिर्फ ऐसे ही प्रेग्नेंट होकर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सन 2005 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट में एक कंसेंसस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रिप्रोडक्टिव एंड ये मैटरनल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया, और उसमें यह कॉन्सेंसस बना कि किन पेशेंट्स में प्रेग्नेंट होना सेफ़ है। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें कुछ 5 to 6 पॉइंट्स हैं, वो अगर सारे फुलफिल होते हैं तो प्रेगनेंसी के लिए एक आप आइडियल कैंडिडेट हो सकते हो। इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद कम से कम आपको 1 साल बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। 1 साल के पहले प्रेगनेंसी होने पे आपको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ट्रांसप्लांट के कम से कम 1 साल हो सके हों। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका किडनी फंक्शन स्टेबल हो और क्रिएटिनिन आपका लेस देन 1.5 हो। तीसरा है कि आपको कोई भी रिजेक्शन का एपिसोड ना हुआ हो। चौथा है कि कोई इन्फेक्टिव एपिसोड या यूरिन इन्फेक्शन या पाइलोनेफ्राइटिस, ये सारी चीज़ें ना हुआ हो। पाँचवा है कि आपको एक्टिव साइटोमेगालस वायरस इन्फेक्शन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन एट द टाइम आप प्रेगनेंसी ना हो। पांचवा है आप किसी ऐसी दवा पे ना हो जिससे आपके फीटस पे या बच्चे पे प्रभाव हो सकता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट या एसिड इफेक्ट जो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये ऐसी कोई दवाई ना चल रही हो। छठवा है कि आपके सारे जो भी इम्यूनो सप्रेशन चल रहे हैं वो उनके लेवल स्टेबल हो, आप मेंटेन्ड हो। और लास्ट आपका ब्लड प्रेशर आपका वेल कंट्रोल्ड हो, आप किसी भी ब्लड आइडियली आप किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर मेडिकेशन पे ना हो और डायबिटीज़ की मेडिकेशन ना हो, तो यह एक आइडियल कैंडिडेट होता है। इसमें आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो और एक गुड आउटकम आप बच्चे के हिसाब से और किडनी के हिसाब से और अपनी हेल्थ के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बट जैसा मैंने बताया कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें क्यों। और जब भी ये ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रेगनेंसी होती है इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही माना जाता है, तो आप एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन जो ऑब्स्टेटिक्स में डील करती हूँ, जो हाई रिस्क फेटल मेडिसिन एक्सपर्ट या हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन, उसके साथ आपको दिखाना है। और जो ऑब्स्टेट्रिशियन है आपका और नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो एक अच्छा प्रेगनेंसी आउटकम मिल सकता है। अब बात ये रही कि क्या रिस्क है, तो सबसे पहले रिस्क बच्चे का रिस्क तो बाद में आता है, सबसे पहले मैटरनल रिस्क होता है। मैटरनल रिस्क में पहली बात होती है मैटरनल डेथ की कोई चांस तो नहीं अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं। दूसरा, ग्राफ्ट रिजेक्शन या किडनी फेल होने के चांसेस कितना है अगर प्रेगनेंसी होती है। तो
मैटरनल डेथ की बात कहूँ, मैटरनल डेथ ऐसी डेथ को बोला जाता है जो प्रेगनेंसी के समय या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 डेज के अंदर, जैसे कि डिलीवरी या सेक्शन के 42 डेज के अंदर होती है, तो उसको हम मैटरनल डेथ कहते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, बट जो भी डाटा अवेलेबल है, अगर आप बहुत हाई रिस्क कैंडिडेट नहीं है, तो मैटरनल डेथ या मैटरनल मॉर्टेलिटी एक जनरल पॉपुलेशन में जितनी होती है करीब उतनी ही होती है। हाँ, अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं जैसे सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटस या कुछ और भी डिसीज होते हैं उसमें आप प्रेगनेंसी करते हैं, तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात आती है कि ग्राफ्ट फंक्शन, प्रेगनेंसी के समय ग्राफ्ट फंक्शन का क्या होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो किडनी का जो फंक्शन होता है यूजली इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, तो वह करीब 40-50% इंक्रीज हो जाता है। बट जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है उनमें यूजली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। बट यह देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनको कोई रिजेक्शन या इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो क्राइटेरिया मैंने पहले बताया उन पर फुलफिल होते हैं, तो ग्राफ्ट फंक्शन ऑलमोस्ट उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो वैसा ही रहता है जैसा कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा है, या ब्लड प्रेशर है जो कि कंट्रोल में नहीं है, या रिजेक्शन एपिसोड हो जाते हैं प्रेगनेंसी के समय, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो डेफिनेटली उसमें ग्राफ्ट फंक्शन में फ़र्क पड़ सकता है। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लीकेज ऑफ प्रोटीन, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपके ग्राफ्ट के फंक्शन पे असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके बच्चे के आउटकम पे, अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे के आउटकम पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये है हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले अगर एक ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के चांसेस कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ये अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर कभी भी हो सकता है। चांसेस ऑफ लो बर्थ वेट कि आपका बेबी 2.5 किलो से कम का है, और ग्रोथ रिटार्डेशन है, प्री मैच्योर बेबी है, जल्दी हो गया, लेस देन 37 वीक्स में, इन सब के चांसेस एज हाई एज 30-40% बढ़ जाते हैं कंपेयर टू द नॉन ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो फीटल आउटकम डेफिनेटली इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट यह देखा गया है कि जितनी भी मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं उनमें अगर लाइव बर्थ होता है तो अल्टीमेट आउटकम ठीक होता है, बट चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यह ट्रांसप्लांट पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट्स नहीं होते, इनको कई सारी दवाइयाँ रहती हैं, न्यूट्रिशनली पुअर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर लॉन्गेस्ट फॉलोअप की बात की जाए कि जो बच्चे पैदा हो गए हैं अच्छे से हो गए हैं उनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती अगर लाइव बर्थ हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से पहले मिलना पड़ता है, तो एक दवाई होती है माइकोफेनोलेट मोफेटिल या माइकोफेनोलेट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशंस का। यह आपको प्रेग्नेंट होने के कम 6-8 हफ्ते पहले बंद करनी पड़ती है, क्योंकि एक एंटी मेटाबोलाइट मेडिकेशंस होती हैं जो कि फीटस बनने से रोकती है या फीटस में बर्थ डिफेक्ट पैदा करती है, तो यह दवाइयाँ बंद करनी होती है, क्योंकि अगर आप इस दवाई को लेते हुए प्रेग्नेंट होते हैं तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या बर्थ डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, CMV इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो भी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। आपको CMV इन्फेक्शन होने के, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, कम से कम 6 महीने से 1 साल के बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसका भी टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, यह भी एक बर्थ इफेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी माइनर पॉइंट्स है जो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। तो ये रहा आपका मैटरनल आउटकम और फीटल आउटकम के बारे में। अब ये आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहला आगे प्लानिंग तभी आपको करनी है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएं प्रेगनेंसी का प्लान लेके, जब आपके ट्रांसप्लांट को एटलीस्ट 1 साल हो चुके हो, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, किडनी फंक्शन स्टेबल हो,
तीसरा कोई रिजेक्शन ना हुआ, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो आप एज ए कपल डॉक्टर के पास जाएं और डिस्कस करें। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी पूरी लास्ट 1 ईयर की केस हिस्ट्री चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रूटीन ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, CMV इन्फेक्शन या BK वायरस इन्फेक्शन के लेवल चेक करेंगे। आप ये सारे चेक करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो कि नहीं। और जो आपकी माइकोफेनोलेट दवा चल रही है उसको बंद करके वो एज़ाथ्रायोप्रिन या दूसरी मेडिकेशंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके 6 से 8 हफ्ते में फिर से आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जब वो बोलेंगे कि हाँ यू कैन गो अहेड विद द प्रेगनेंसी, तब आप फिर रेगुलर इंटरकोर्स चालू करेंगे और तब प्रेगनेंट होगी। एक बार प्रेगनेंट हो गए तब उसके बाद आप नेफ्रोलॉजिस्ट और आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट है उसके आप रेगुलर टच में रहेंगे। और नॉर्मली जो प्रेगनेंसी के बाद विजिट होती है वह नॉर्मल प्रेगनेंसी जो नॉन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है। हर ट्राइमेस्टर में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं वो तो होंगे ही, इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ज़्यादा फ्रिक्वेंट लेवल पे हो आपकी। और इस सारी विजिट के दौरान आपको आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और जो आपके हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि कैसे आपको बेस्ट तरीके से मैनेज करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के में अराउंड 9-11 वीक्स पे आपका न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूसेंसी के लिए स्कैन होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बर्थ डिफेक्ट के लिए स्कैन होता है, कोई बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है। यूजली इंडिया में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो लिमिट है 20 वीक्स है, आप 20 वीक्स तक MTP करा सकते हो। तो उसके पहले 18 वीक्स पे आपका स्कैन होगा, वह देखा जाएगा कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से आपको MTP तो नहीं करनी, मेडिकल टर्मिनेशन तो नहीं करनी। तो ये सारा नेफ्रोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन के कोऑर्डिनेशन में चलता है। एक बार जब डिलीवरी डेट होती है तो फिर ये डिसीजन लेना होता है कि वेजाइनल डिलीवरी होनी है कि सेक्शन करना है। तो ऐसा जो चूँकि ट्रांसप्लांट हुआ है तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि आप सीजेरियन सेक्शन से ही कराएं, वेजाइनल डिलीवरी बेहतर होती है क्योंकि उसमें चीरा वगैरह नहीं लगता है। ये आपका ऑब्स्टेट्रिशियन डिसीजन लेगा कि सेक्शन करना है कि वेजाइनल डिलीवरी, इसका ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन ही होता है, ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर सीजेरियन सेक्शन होता है तो आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उसको और आपके जो ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट में किडनी कहाँ पे लगाई है, किडनी की पोजीशन क्या है, यूरेटर की पोजीशन क्या है, कैसे ऑपरेशन करना है, कट करना है। तो ये ट्रांसप्लांट सर्जन और आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उसके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। वेजाइनल डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। यूजली यह देखा गया है कि जो भी दवाइयाँ होती हैं बहुत ही लो लेवल रहती है या ना के बराबर होती, आप ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल लेवल पे कर सकते हैं। और जब ऑपरेशन प्रेगनेंसी के बाद चाहे डिलीवरी हो जो सेक्शन हो, 4 से 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में बॉडी दोबारा से पुरानी वाली स्टेट में आ जाती है, तब दोबारा से नेफ्रोलॉजिस्ट आपके ड्रग लेवल चेंज कर सकता है, ड्रग की टाइप चेंज कर सकता है और ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। तो यह वीडियो से आपने समझा कि प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है, बट यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से प्लान करके होनी चाहिए। और यह एक टीम देखती है आपको, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से प्लान करके जाओ तो आप एक अच्छे आउटकम को मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट क्योंकि लोगों में इतना ज़्यादा डर होता है कि कहीं डेथ तो नहीं हो जाएगी, किडनी रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी, प्लान नहीं कर सकते। डेफिनेटली इस चीज़ को नकारा तो नहीं जा सकता, बट अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लें तो एक जो बच्चे की कामना होती है वो पूरी हो सकती है। थैंक यू।